कैबिनेट की आज बैठक बेहद खासी बैठक मानी जा रही है। कई अहम फैसलों पर आज मोहर लग सकती है। ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग में शामिल करना, कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने, मंडी फीस की प्रतिपूर्ति और सरस्वती शिक्षा समिति को मोती नगर संगम में भूमि आवंटन, राज्य मिलेट मिशन योजना को भी आज मंजूरी मिल सकती है। तो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, बेहद अहम और बेहद खास ये बैठक मानी जा रही है। और आपको बताते चले कि इस कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पारित हो सकते हैं, राज्य मिलेट मिशन योजना को मंजूरी मिल सकती है। तो आज ये बैठक बुलाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें इस पूरी बैठक में जो है कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद होंगे। कई अहम फैसलों पर आज मोहर लग सकती है। कई प्रस्ताव जो है राज्य सरकार की तरफ से पारित हो सकते हैं। ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने पर भी आज मोहर लग सकती है, इस पर भी फैसला हो सकता है। कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने, मंडी फीस की प्रतिपूर्ति पर भी चर्चाएं होंगी। राज्य मिलेट मिशन योजना को आज सरकार की तरफ से मंजूरी मिल सकती है। तो बेहद खास ये बैठक मानी जा रही है। तो आपको बताते चले कि कैबिनेट की आज बैठक बुलाई गई है, सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और इस पूरी बैठक में कई प्रस्ताव आज पारित हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इस पूरे बैठक में कई ऐसे फैसले हैं जो लिए जा सकते हैं राज्य के हक में। और साथ ही साथ और इस पूरे बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी होगी। ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने पर भी आज मोहर लग सकती है। कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने, मंडी फीस की प्रतिपूर्ति को लेकर भी आज चर्चाएं होंगी और उसके बाद यहाँ पर फैसला आ सकता है। साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत होंगी। तो कई मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। तो आज ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। राज्य मिलेट मिशन योजना को लेकर भी आज मंजूरी मिल सकती है और इस योजना को लेकर आज इस पूरी बैठक में बातचीत भी हो सकती है, क्योंकि बेहद खास ये कैबिनेट की बैठक मानी जा रही है। तो आपको बताते चले कि आज ये बैठक होगी और इस पूरे बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे। सर्वसदस्यीय शिक्षा समिति को लेकर यहाँ पर जमीन भी आवंटित की जा सकती है। सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, आज कैबिनेट की बैठक है, बेहद खास मानी जा रही है। कौन कौन से वो तमाम प्रस्ताव होंगे जो पारित हो सकते हैं और कितने बजे से बैठक की शुरुआत होगी? देखिए, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक रखी गई। इस बैठक में तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और गोपाल भार्गव आज की बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा दिल्ली के दौरे पे हैं और गोपाल भार्गव छिंदवाड़ा के दौरे पे है। कैबिनेट के बैठक के और एजेंडों की बात करें तो सबसे पहले बैठक के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम मंत्रियों से, जो ओलावृष्टि पिछले कुछ दिनों से लगातार मध्यप्रदेश पे जारी है, भारी बारिश से किसानों की फसलें खराब हुई है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अगर हम कैबिनेट के फैसलों की बात करते हैं कि किन फैसलों को लेकर जो है आज की कैबिनेट में चर्चा होनी है, उन चर्चा होने के बाद उन निर्णयों को कैबिनेट में पास किया जाएगा, हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो बेहद ही अहम फैसले जो है आज की कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे और जिन प्रस्तावों को लेकर चर्चा होनी है, ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग में शामिल कराने को लेकर जो है आज की कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है और इस प्रस्ताव को आज की कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दी जाएगी। तो एक ये कह सकते हैं कि मध्यप्रदेश में पहला ऐसा मामला है कि जब ट्रांसजेंडरों को ओबीसी में शामिल किया जा रहा है, पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जा रहा है। वहीं कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने, मंडी में फीस की जो है प्रतिपूर्ति को लागू किया जाएगा, सरस्वती शिक्षा समिति को मोती नगर सागर में भूमि आवंटित की जाएगी, स्कूल शिक्षा में जिस प्रकार से लगातार मध्यप्रदेश की सरकार कार्य करती हुई नजर आ रही है, तो सागर में अब सरस्वती स्कूल को लेकर जो है भूमि आवंटित करने का फैसला आज लिया जाएगा। राज्य मिलेट मिशन योजना को जो है आज की कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज जो कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें कई बड़े फैसले होने हैं। इसके साथ ही कई अनौपचारिक चर्चा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कैबिनेट की बैठक के पहले और बाद में करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में रीवा में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कार्यक्रम है 24 अप्रैल को, तो इस कार्यक्रम को लेकर भी जो है मंत्री समूह से मुख्यमंत्री चर्चा करते हुए नजर आएंगे। कुलभूषण, ऐसे में बेहद खास ही पूरी मीटिंग मानी जा रही है, क्योंकि किसानों के हक में भी कई फैसले लिए जा सकते हैं। कुलभूषण, आज बिल्कुल, क्योंकि अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो मंडी को लेकर फैसला आना है और मंडी मामले की अगर बात की जाए तो अक्सर किसानों को जो एक बड़ी समस्या होती है वो मंडियों में होती है, तो मंडियों को लेकर भी एक बड़ा फैसला आज की कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसके साथ ही अन्य मुद्दे भी, क्योंकि
ओलावृष्टि और बारिश से जो है किसानों की फसलें खराब हुई है, इसको लेकर एक अनौपचारिक चर्चा मंत्रियों से करेंगे। उनके प्रभार वाले जिलों में क्या स्थिति है, क्या सर्वे का काम पूरा हो चुका है, मुआवजे की राशि पहली जो जा चुकी है क्या, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। क्योंकि कैबिनेट की बैठक के बाद एक अहम बैठक, बड़ी बैठक हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास में 2 बजे बुलाई है और 2 बजे बिल्कुल बिल्कुल कुलभूषण और कैबिनेट की बैठक के बाद एक और बेहद खास मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में भी कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी। कुलभूषण नजर बनाए रखिए।